फोटोग्राफी सीखने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? फोटोग्राफी सीखने के लिए एक टीचर चाहिए होता है, एक मेंटर चाहिए होता है, एक गुरु चाहिए होता है। ये दिखता कैसा है? मोटा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, अंडरकवर होता है, दुकान में मिलता है, किधर मिलता है? अमेज़न पे मिलता है क्या टीचर? भाई बताओ 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 कैसा होता है ये टीचर? टीचर कैसा भी हो, कहीं पे भी मिलता हो, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। और वो क्वालिटीज क्या है मैं बताऊंगा भाई साहब। मैं आ गया है आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। रेडी? पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए आपके टीचर में? टीचर एक ऐसा बंदा होना चाहिए कि जब वो अपना मुंह खोले तो आपका मुंह भी खुल जाए। मतलब वो जब बोलना चालू करे तो आप ऐसे करके ना उसको सुनते रहो। आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो आते हैं और आपको लगता है बक बक करके चले जाते हैं, सुनने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्या बोल रहा है, पता नहीं पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। तो टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि जब वो बोले तो आप मंत्रमुग्ध हो जाओ, उसकी बातों में लुप्त हो जाओ। आप बैठे हो तो बस पता ही ना चले कि टाइम कहाँ बीत गया, आप वहाँ पर हो ही नहीं, ऐसा लगने लगे, तो वो होता है असली टीचर। मैं फंस गया हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ, मैंने अपने टीचर को कांटेक्ट करा लेकिन भाई साहब कोई जवाब नहीं हो रहे। मैं फ़ोन करे जा रहा हूँ, मैसेज भेजे जा रहा हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा, मैं दुविधा में हूँ। तो टीचर कैसा होना चाहिए? जो हमेशा अवेलेबल हो। मतलब आप एक आवाज़ करो और आपका टीचर आपके सामने हाजिर हो, क्योंकि पता नहीं आप कब फंस जाओ, कहाँ फंस जाओ, किस प्रॉब्लम में हो। तो उस टीचर का क्या फ़ायदा है यार, जो आप मुसीबत में हो और आपके पास ही ना हो। तो अच्छे टीचर की क्वालिटी है जो हमेशा अवेलेबल हो। अवेलेबल होना चाहिए। ओए तुम क्या कर रहे हो, चुपचाप चुपचाप बैठो। ओए एक डंडी पड़ेगी ना, ठीक हो जाओगे। टीचर क्या टीचर जैसा होना चाहिए? नहीं यार, प्रॉब्लम यही है कि टीचर टीचर जैसे लगते हैं। वो अपनी हरकतें से बता देते हैं कि वो टीचर हैं। टीचर एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो आपका दोस्त लगे, और दोस्त से ही तो आप खुल के बात कर सकते हो, दोस्त से ही तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, और दोस्त को ही अपने अंदर की सारी दुविधाएं, जो भी विघ्न आपके दिमाग में चल रही हैं, वो शेयर कर सकते हो। तो टीचर अगर टीचर जैसा होगा और आपकी फाड़ के रखेगा तो यार उस टीचर से तो कुछ सीख नहीं पाओगे आप। तो टीचर ऐसा ढूंढो जिससे कर सको आप खुल के बातें। ओए चुप रहो, हाँ कान तोड़ो तो मेरे। सपोज करो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपने टीचर से पूछता हूँ कि सर अपर्चर क्या होता है। अब सपोज करो कि मैं टीचर हूँ, अब मैं समझा रहा हूँ अपर्चर क्या होता है। अपर्चर एक ऐसी चीज होती है जो कैमरा के बीच में फिट होती है। भाई क्या बोल लिया है ये, क्या बोल लिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो टीचर पता है कैसा होना चाहिए? जो चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करे, जो चीजों को समझाए लेकिन आसान तरीके से, जो कि आपके दिमाग में घुस जाए। अगर इतना कॉम्प्लिकेट करके कोई समझाएगा तो भाई लगी जाएगी, कुछ समझ में आएगा नहीं, चीज़ें वहीं की वहीं अड़ी रहेंगी, और क्या फ़ायदा है इसे टीचर का। तो टीचर कॉम्प्लिकेट करने वाला नहीं, सिंप्लीफाई करने वाला होना चाहिए। अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा कि टीचर होना कैसा चाहिए। टीचर वही मैं टीचर हूँ, ऐसा सीरियस वाला टीचर होना चाहिए जो मतलब टाइट रहे हमेशा, जिससे बात करते हुए भी आपकी फटे नहीं। टीचर ऐसा होना चाहिए यार, दोस्त जैसा टीचर होना चाहिए, मतलब जो हंसते खेलते सारी चीज़ों को आपको समझा दे, आसान तरीके से समझा दे, मतलब हंसते खेलते, प्लेइंग प्लेइंग एंड अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, टाइट टाइट नथिंग अंडरस्टैंडिंग। अगर आप गलती करो ना, आपकी ले ले, मतलब गलत को गलत बोले, मतलब आपने करा बिल्कुल फुद्दू काम और टीचर आपकी कर रहा है तारीफ, तो वो भाई टीचर आपका भलाई नहीं कर रहा, टीचर आपको कहीं लेके नहीं जा रहा, वो आपकी ज़िंदगी तबाह कर रहा है भाई साहब, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। ऐसे टीचरों से बचें, दूर रहें, क्योंकि गलत को गलत नहीं बोल रहा वो तो आपको खुश करना चाहता है, आपकी तारीफें करे जा रहा है और आप करे जा रहे हो गलतियाँ। तो भैया गलतियाँ कैसे सुधारोगे? अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो वो गलत को गलत बोले और सही को ऐसा बोले कि मतलब आपकी शाबाशी कर करके आपकी कमर थपथपा कर आपकी कमर तोड़ दे। और ऐसे टीचरों के पास जाएं
जो आपके कान खींचता हो और लगाता हो जब आप गलती करते हो, उसी से सीखोगे आप, उसी से आगे बढ़ोगे आप। यही है एक असली टीचर की सबसे प्यारी क्वालिटी। इमेजिन करो कि मैं टीचर हूँ। सो टुडे स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी इज अ सब्जेक्ट वेयर एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड वी आर गोइंग टू लर्न दिस एंड दैट, एंड दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो दिस इज नॉट वेरी ईजी, बट वी आर गोइंग टू लर्न इट एनीवेज। दिस इज द मेन चैप्टर, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फोटोग्राफी। अब स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसे बैठे? अबे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है? तो टीचर पता कैसा होना चाहिए? जो आपकी भाषा में बोले, आपकी भाषा में बोलेगा आपको समझ आएगा, वरना तो वो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फोटोग्राफी ही बोलता रहेगा और आप ऐसे बगले झांकते रहोगे इधर उधर और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो टीचर ऐसा ढूंढो जो आपकी भाषा में बोले, आपको छुए, आपके दिल को छुए और सब कुछ पल्ले पड़ जाए। भाई साहब इस टीचर का क्या फ़ायदा जो अंग्रेजी में बातें करे जा रहा है और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में कर ले, लेकिन आपकी भाषा में तो बात करे। आज मैं आपको सिखाऊंगा फोटोग्राफी। मैं हूँ टीचर, मतलब मैं टीचर हूँ। तो मैं रुक जाऊँ, हाँ मैं फोटोग्राफी के बारे में पढ़ाऊंगा। रुक जाओ एक मिनट, रुको यार। हाँ फोटोग्राफी इज वेरी सिंपल बट वी हैव टू, भाई ऐसे टीचर का क्या फ़ायदा जो पढ़ पढ़ के सिखाए, जिसे वो आता ही ना हो जो वो बता रहा है, जो वो सिखा रहा है। टीचर ऐसा ढूंढो जो दिल से, दिमाग से, उसके रग रग में वो चीज़ बसी हो, उसको आती हो। पढ़ के सुनाने वाला, पढ़ के बताने वाला टीचर नहीं होता। दिल से बोले, दिमाग से ना बोले। बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ काम कर रहे हैं, जो सिर्फ एज अ जॉब लेते हैं किसी चीज़ को सिखाने के लिए, या पैसे के लिए कर रहे हैं, या कोई और रीज़न से उनके, लेकिन दिल से आवाज़ नहीं आ रही। भाई साहब दिल से आवाज़ नहीं आ रही। जब तक दिल से आवाज़ ना आए, जब तक आप कोई काम दिल से नहीं करोगे, तो कैसे जस्टिफाई करोगे आप उस चीज़ को, कैसे उसमें 100% लेकर आ सकोगे? तो टीचर ऐसा ढूंढो जो दिल से, उस चीज़ से कनेक्टेड हो जिस चीज़ को वो सिखा रहा है। दिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन दिमाग। दिल से काम करने वाला हमेशा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, आपसे कनेक्ट होगा और आपको बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझाएगा। कितनी बातें बता दी आपको मैं कि टीचर कैसा होना चाहिए। टीचर की एक और क्वालिटी कि आप उसको देख के मोटिवेट हो, आप उसको देख कर बोलो कि यार मुझे भी बनना है, इसके जैसा मुझे बनना है। वो आपका रोल मॉडल हो। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको देखकर आपके दिल में ये भावनाएं उमड़ती हैं, आपको लगता है कि आप उसके जैसा बनना चाहते हो, आपका वो रोल मॉडल है और वो हमेशा आपको पुश करता है, मोटिवेट करता है, वो है असली टीचर, वो है। तो ढूंढो ऐसा टीचर भाई साहब, जाओ बाहर, जाओ जल्दी से ढूंढो। बिरादर हैं हमारे बिरादर। तो अंत में अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि हर चीज़ का समापन ज़रूरी है। आपको क्या समझ में आया कि आपको अच्छा टीचर चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, फिर वो फोटोग्राफी हो, आर्ट्स हो, एनीथिंग। और वो टीचरों की क्वालिटी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको दूरबीन लेके ढूंढना है कि ये क्वालिटी वाला बंदा कहाँ है। किसको बना सकते हो आप अपना गुरु, किसको बना सकते हो अपना मेंटर, किसको बना सकते हो आप अपना टीचर। तो ये टीचर जिस दिन मिल जाए, मतलब फट टीचर नहीं, टीचर, ये टीचर जिस दिन मिल जाए आप उसको पकड़ लो, छोड़ना मत भाई साहब, बिल्कुल मत छोड़ना। यही क्वालिटीज चाहिए, सिर्फ यही क्वालिटीज चाहिए, आपकी जिंदगी सफल है, आप आगे बढ़ोगे अगर ऐसा बंदा आपको मिल जाए। कहाँ मिलते हैं ये? यूट्यूब पे भी मिलते हैं। मैं नहीं हूं। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझ में कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि आप कनेक्ट हो पा रहे हो, आप मुझसे जुड़ पा रहे हो, थोड़े वीडियोस देख लो जाकर। अगर ऐसी चीज़ें लगती हैं आपको, कुछ समझ में आता है, तो मेरा दामन छोड़ना नहीं, मैं हमेशा आपके साथ बना रहूँगा, कनेक्टेड रहूँगा। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड रेडी। तो मैं कितना आ रहा हूँ?
मेरे को क्योंकि माइक के पास आना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तू अपनी मर्जी से बोल, बाद में ऑडियो में सेटिंग कर लेना। तू कर रहा रिकॉर्ड? यहीं तक था। कौन दो? हाँ तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं?